नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल गोल्डन फ्यूचर में। दोस्तों आप हमारे चैनल पे हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, BPSC जो है बहुत ट्रैक पर आ गया है और ये लगभग 1250 से अधिक पोस्ट इस बार जो है उन्होंने निकाली हुई है। और इसमें क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन से पद हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज पूरी ये हमने BPSC की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो दोस्तों, ये पूरी पोस्ट वाइज जो है डिप्टी SP का पोस्ट है, कार्य अधीक्षक, गृह विभाग, वाणिज्य कर पदाधिकारी, ऐसे करके ढेर सारी पोस्ट है। ये आपके जनरल के पोस्ट है, ये SC के पोस्ट है और ये ST की पोस्ट है, बाकी ये OBC के पोस्ट है। यहाँ न्यूनतम आयु कुल पद यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, या अधिकतम उम्र भी लिखी गई है। किस पोस्ट के लिए, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी और स्पेशल एज भी इसमें डिफाइन किया गया है। तो ऐसे देखते हुए अगर आप दोस्तों नीचे आएंगे तो देखेंगे कि टोटल 1255 पोस्ट, यानी कि करीब 1250 पोस्ट जो है BPSC की तरफ से निकाली गई है इस बार 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो दोस्तों, इसको भरना मत भूलिएगा। इसकी जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है दोस्तों, सिर्फ ग्रेजुएशन जो बंदा किया हुआ है तो वो उसको यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आरक्षण का प्रावधान बिहार राज्य की तरफ से इसमें कुछ किया गया है। उम्र सीमा दोस्तों देख लीजिए, न्यूनतम उम्र सीमा जो है कुछ 20 वर्ष की है, कुछ 21 वर्ष, कुछ 22 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा जो 37 वर्ष रखी गई है, यानी कि 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक कोई भी अभ्यर्थी जो है BPSC के फॉर्म को भर सकता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम अब उसमें कुछ आरक्षण अनुसार कुछ छूट दी गई हैं तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से अपने कैटेगरी के अनुसार भर सकते हैं। कुछ पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर शारीरिक क्षमता की बात कही गई है। इसके अलावा शुल्क देख लीजिए दोस्तों, शुल्क क्या लगेगा, महिला उम्मीदवारों और जो वहाँ के आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपया है और बाकी जो अन्य कोटि के अभ्यर्थी हैं और अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, सिर्फ यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों। और प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, टोटल वस्तुनिष्ठ प्रकृति बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक जो है 150 नंबर के होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें टोटल, ये आपका सिलेबस है जिसमें जैसे बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो अन्य राज्यों में ही लगभग सिलेबस होते हैं, मैक्सिमम सेम मिलते हुए सिलेबस होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें और मुख्य परीक्षा के लिए जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, तो ये कुल पूरा यहाँ से ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें देखेंगे टोटल 34 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से एक सब्जेक्ट एक ऑप्शनल है वहाँ पर बिहार PCS में, तो वहाँ पर आप जो है एक सब्जेक्ट इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, वो मुख्य परीक्षा में आपको उसी से मुख्य परीक्षा देनी होगी। तो बहुत ही सोच समझ के मुख्य परीक्षा के लिए ऐच्छिक विषय का चयन करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा में ही मुख्य परीक्षा के विषय मांग लेते हैं और इसके बाद चेंज करने का कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। अब देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है। जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की तिथि है दोस्तों, 3 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में है और शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है 24 अगस्त तक है। और दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त तक है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 20 अगस्त तक आप पंजीकरण इसमें करा लीजिए दोस्तों, और फाइनल इसको सबमिट कर दीजिए जल्दी से। और हमारे ख्याल से जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी BPSC जो है अपने तरफ से आयोजित करवाएगी और इससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल होंगे दोस्तों, जितने भी प्रश्न होंगे या फिर जितने भी बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो वो सभी आपको इस हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर के चैनल के माध्यम से इसको आपको आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।